हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूनिवर्सल स्टेनर के बारे में। जब भी हम घरों को पेंट कराते हैं या फिर इंटीरियर हो या फिर एक्सटीरियर हो, जब भी हम घरों को पेंट कराते हैं तो हम किसी भी शॉप पे अगर पेंट लेने जाते हैं या फिर हमें कोई कलर कराना होता तो उसके दो ही तरीके होते हैं। या तो आप कंप्यूटराइज कलर बनवाएं, जो भी आप शॉप से लेने जाते हैं पेंट उनसे कोई भी कलर है आप कंप्यूटराइज कोड दे या फिर कलर बनवाएं, या फिर दूसरा होता है जो भी हमारे यहाँ पेंटर काम करते हैं वो अपने हाथों से पेंट बनाते हैं। तो जब भी कोई पेंटर अपने हाथों से कोई कलर बनाते हैं तो जो वो स्टेनर का यूज करते हैं उसका नाम होता है यूनिवर्सल स्टेनर। तो आज इस वीडियो में यूनिवर्सल स्टेनर के बारे में बात करने वाले हैं कि यूनिवर्सल स्टेनर होता क्या है, ये किस किस तरह के पेंट का कलर चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, साथ में बात करने वाले हैं कि इसमें कितने कलर ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप यूनिवर्सल स्टेनर से आप अपना कलर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं या नहीं, या फिर अगर कहीं पे भी यूनिवर्सल स्टेनर का यूज करते हैं कलर बनाने के लिए इंटीरियर या एक्सटीरियर में, तो उसकी लाइफ क्या होगी, वो नॉर्मल जो मशीन से आप कलर बनाते हो वही लाइफ मिलेगा या फिर उसकी जो लाइफ होगी परफॉर्मेंस होगी वो आपको थोड़ी कम मिलेगी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, और तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल द पेंट गुरु को सब्सक्राइब कर ले, उसका बेल आइकन ऑन कर ले ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूनिवर्सल स्टेनर होता क्या है। तो अगर आप यूनिवर्सल स्टेनर की बात करें तो ये एक तरह का पिगमेंट होता है जो आप कहीं पे भी कोई भी अगर पेंट है, इमल्सन है, ऑयल पेंट है, वाटर बेस्ड पेंट है, किसी तरह का जो होम डोमेस्टिक यूज के लिए पेंट है हम उसमें कलर चेंज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल स्टेनर आपको ऑलमोस्ट 12 शेड में आता है, जिसमें आपको फास्ट येलो, फास्ट ग्रीन, फास्ट रेड, इस तरह से करके उसमें आपको 12 शेड मिलता है, जिसके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर, आप जितना कलर ऑप्शन चाहते हैं, या गुलाबी हो या फिर ऑरेंज हो या इस तरह से कोई भी आप कलर चाहते हैं वो आप उसमें बना सकते हैं। यूनिवर्सल स्टेनर का इस्तेमाल जनरली हम इमल्सन पेंट में कलर चेंज करने के लिए, आप किसी भी कंपनी का हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इमल्सन पेंट ले रहे हैं या फिर इनेमल पेंट ले रहे हैं या फिर ऑयल पेंट ले रहे हैं या फिर आप किसी तरह का डिस्टेम्पर ले रहे हैं, तो इसमें अगर आपको कलर चेंज करना है तो हम वहां पे यूनिवर्सल स्टेनर का इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल स्टेनर में अगर हम कलर ऑप्शन की बात करें तो इसमें आपको ऑलमोस्ट 12 कलर शेड में मिलता है, जिसके हेल्प से हम वैरायटी ऑफ कलर बनाते हैं। जैसे फास्ट रेड आपको कोई भी पिंक कलर होता है या फिर डार्क या लाइट पिंक कलर बनाना होता है, हम वहाँ पे फास्ट रेड का यूज करते हैं। फास्ट येल्लो ग्रीन, जैसे आपको कोई भी शुगवा कलर हम बोलते हैं या पैरोट कलर बनाना होता है तो हम वहाँ पे फास्ट येल्लो ग्रीन का यूज करते हैं, या फिर हो गया फास्ट ब्लैक, अगर हम ब्लैक का यूज हम कोई भी ग्रे कलर वगैरह टाइप का कोई भी कलर बनाना होता है तो वहाँ पे फास्ट ब्लैक का यूज करते हैं। फास्ट ऑरेंज, जब भी हमें कोई भागवा कलर वगैरह बनाना होता है तो हम फास्ट ऑरेंज का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमें 12 कलर ऑप्शन दिए जाते हैं, फास्ट रेड, फास्ट ग्रीन, फास्ट येल्लो, येल्लो ऑक्साइड, फास्ट येल्लो ग्रीन, फास्ट ब्लैक, फास्ट ऑरेंज, ब्रांड सिनार, टर्की अंबर, वाइट, इस तरह से करके ये टोटल हमें 12 शेड में आते हैं, जिसके हेल्प से हम वैरायटी ऑफ कलर बना सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कि अगर यूनिवर्सल स्टेनर से हम कोई भी कलर बनाते हैं तो उसकी क्या परफॉर्मेंस होगी। तो अगर यूनिवर्सल स्टेनर की परफॉर्मेंस की बात करें, कलर परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये टोटली ऑफ पेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने यूनिवर्सल स्टेनर का कोई अपना पर्सनल प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिसाइड होगी, ये बिल्कुल आपके पेंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने कोई इकोनॉमिक रेंज का प्रोडक्ट लिया है, जैसे लिटिल मास्टर हो गया, ट्रैक्टर इमल्सन हो गया, ट्रैक्टर स्पार्क इमल्सन हो गया, या फिर पिक्सा ज्वाय हो गया, इस तरह से अगर आपने कोई इकोनॉमिक रेंज का पेंट लिया तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी, जो कलर की परफॉर्मेंस होगी वो आपको 2 to 3 years मिलेगा। वहीं अगर आपने कोई मिड रेंज में पेंट लिया, जैसे एश हो गया, सुरक्षा प्लस हो गया, या इस तरह से कोई भी पेंट लिया हो, तो वहाँ पे जो कलर की परफॉर्मेंस होगी आपको 3 years की मिलने लगेगी। वहीं अगर आपने कोई एपेक्स हो गया या फिर वेदर कोट हो गया या फिर नेरोलैक का कोई आपने प्रीमियम प्रोडक्ट यूज किया, तो वहां पे जो कलर की परफॉर्मेंस होगी वो आपको 5 years मिलने लगेगी। जो भी आप कलर का परफॉर्मेंस होता है वो टोटल ऑफ आपके प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपके यूनिवर्सल स्टेनर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। हाँ, कुछ कुछ केसों में ऐसा होता है, जैसे आपने एक्सटीरियर में कोई भी कलर लगाया है तो वो फेड आने लगता है, वो इसलिए नहीं आता कि आपने स्टेनर का यूज किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने सही रेशियो में स्टेनर का यूज नहीं किया है, इसके कारण ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कलर फेड होने लगता है या जो कलर की लाइटिंग है या प्रॉपर्टी है वो गिरने लगता है।
बहुत लंबे टाइम तक पहले, अभी तो आपको पिछले 4 या 5 सालों में आपको बहुत ज्यादा मशीन देखने को मिलने लगा है या फिर मशीन से कलर बनने लगा, बट इससे आप पहले जाए, अगर आप 2018 से पहले देखें तो बहुत ही हाई क्वांटिटी जो पेंट होता था या जो मैक्सिमम घरों में पेंट होता था तो वो आपको यूनिवर्सल स्टेनर के ही हेल्प से बनाया जाता था और जो उसकी कलर की लाइफ होती है वो भी आपको बेस्ट मिलता था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने यूनिवर्सल स्टेनर का यूज किया है तो आपको उसकी जो लाइफ होगी वो आपको कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कुछ स्टेनर होते हैं, जैसे अगर आपको येल्लो शेड पे कोई कलर बनाना है या फिर कोई रेड शेड पे, जैसे फास्ट येल्लो या फास्ट रेड का कोई यूज आ रहा है आपको कलर बनाने में, उस केस में आप मशीन का यूज करें क्योंकि वहां पे दो तरह का स्टेनर आने लगता है, इंटीरियर के लिए इंटीरियर येल्लो, एक्सटीरियर के लिए एक्सटीरियर येल्लो। वैसे ही अगर रेड में जाते हैं तो इंटीरियर के लिए इंटीरियर रेड और एक्सटीरियर के लिए एक्सटीरियर रेड आने लगा होता है। ये दो स्टेनर के हेल्प से अगर आपको कोई कलर बन रहा है तो आप उस टाइम आप कोशिश करें कि मशीन से ही बनवाए, अदरवाइज अगर आपको कोई कलर बनाना है तो आप नॉर्मल स्टेनर से भी बना सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हम हर बार इसी तरह से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।